एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। 11:30 का टाइम हो चुका है। हम अपना मॉर्निंग का वर्क फिनिश करके गांव से निकल रहे हैं जगाधरी के लिए। पीहू और मैं इसके पापा आएंगे शाम को। बोला है आ जाना, वो आते हैं या नहीं आते हैं वो तो टाइम बताएगा, बट वी आर गोइंग बिकॉज अब जाके कान्हा जी की ड्रेस बनानी है। मम्मी आईज़ डॉक्टर के पास गई हुई है आईज़ चेक करवाने के लिए, तो घर भी खाली होगा, बस मैं पहुँचने वाली हूँ। और पीहू की आज ना रजिस्टर वगैरह की भी शॉपिंग करनी है, क्योंकि न्यू सेशन की शॉपिंग, न्यू सेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा इसका कल से। सेकेंड सेशन टर्म टू। वाओ, इधर चल रही है सफाइयाँ, आपको दिखाऊं। ताई जी ने कर दी सारी सफाइयाँ, देखियो आज तो सारे कर रहे हैं, उन्होंने भी कर रखी है। ताई जी ने, इन्होंने भी, ये इनकी ना दिवाली की सफाइयाँ होगी शुरू। तो जब हम घर पहुँचे मम्मी नहीं थी, मम्मी गई हुई थी हॉस्पिटल। मैंने बताया ये आपको कि आई डॉक्टर आईज चेकअप के लिए जाना था, और जैसे ही हम घर पहुँचे मम्मी भी तब भी आ गई। और फिलहाल हम, मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस, क्योंकि सब्जी दोपहर की रखी हुई है, बस रोटी रोटी बनानी है, वो तो साथ के साथ भी बन जाएगी। गुड इवनिंग एवरीवन, शाम के 4:45 हो चुके हैं। मैं, पीहू एंड मम्मा चले आज मार्केट में। पीहू के ना टर्म सेकंड स्टार्ट हो रहा है कल से, तो मैंने कहा 1-2 दिन में ले लेंगे, बट ये नहीं मान रही है, रजिस्टर्स की शॉपिंग करने जा रहे हैं। और थोड़ा सा जैसे कि संडे मंडे 2 हॉलीडेज थी, थोड़ा सा बाहर घूम आएंगे, खा पी आएंगे। तो हम निकल चुके थे और पहुंच गए हैं 10:10 में। पीहू की डिमांड थी आज यहीं आना है शॉपिंग करने। इसको अपने ना बिस्किट यहाँ मिल जाते हैं वैरायटी में रखे हुए, तो ये वहाँ से सिलेक्ट कर लेती है। इसका मेन मोटिव ये आराम से फेंकना, क्यों टूट जाएगा ये नीचे। तो हम स्टेशनरी ये रखे, इधर केक लेना है वाला, यहाँ पर जो है ये रहा केक, रजिस्टर्स नहीं थे, फेंकने नहीं, आराम से रखना। स्टेशनरी थी या तो रजिस्टर्स जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गए, अरे नीचे रखे केक, यहाँ नहीं थे रजिस्टर और नोटबुक, दोनों चीजें नहीं थी। तो फिलहाल चॉकलेट वाले लेनी है टाइगर के लेने, और फिर एक दो सामान मम्मी ने भी लिया, जैसे दूसरा टाइगर के बाद सामान याद आता है, फाइव वाला ये भी लेना। मेरे हिसाब से तो फाइव खत्म हो गई है, और वैसे तो नहीं, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है, ऐसे नहीं याद आता क्या घर में खत्म हो रहा है, बट जब हम आके मॉल वगैरह में देखते हैं ना, ये लेना था तो याद आ जाता है। तो फाइनली हमने यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ली, और मम्मी ने एक वाइपर मोप वाला लिया है और एक सिंपल वाला वाइपर लिया है यहाँ से, और मैंने भी ना टिशू लिए थे जो वाइप्स होते हैं, टिशू बोल रही हूँ, वाइप्स लिए हैं कार में रखने के लिए, क्योंकि जब कार में बैठ के हम कुछ खाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हैंड्स वगैरह क्लीन करने के लिए ना होने चाहिए। और बस अब हम निकल गए हैं। कैरी बैग हम एज ऑलवेज लाए नहीं थे, और इनका कैरी बैग वैसे भी लेना यूज़फुल नहीं होता, वैसे भी बिना बात से कॉस्टली ही देते हैं, तो हमने कार में रख लिया। जब कार थी, एक्टिवा होती तो शायद प्रॉब्लम हो भी सकती थी, इतना सामान नहीं आता, बट कार में तो ईज़िली ये सब आ जाएगा। और पीहू और मैं लगा रहे हैं फटाफट से कार में सामान, मम्मी ने अपने वाइपर उठा लिए हैं, और नहीं, मम्मी भी लगवा रहे हैं सामान, हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। मम्मी ने वाइपर उठा लिए थे कि वो तो आगे की तरफ रख दूंगी कार में। तो हमारा खाना पीना हो गया, गोलगप्पे एंड भल्ला चाट एंड टिक्की चाट खाए हम तीनों ने मिलजुल कर। और फिर हम आ गए हैं आंटी के घर, उनका घर यहीं पर ही है अम्बाला रोड पर आते हुए, और हम वेट कर रहे हैं कि वो आए और डोर ओपन करें। ये देखिए अभी आने वाले हैं, आंटी ने डोर खोला, एंड ये देखिए ये मम्मी के ना बहुत पुराने फ्रेंड हैं। जाएगी कहाँ, यही बैठ जाओ, गर्मी बहुत हुई। मम्मी तो आते रहते हैं, मैं काफ़ी डेज़ के बाद आई हूँ आंटी के घर, क्योंकि मेरा तो यही है कि अगर मैं फ्री होती हूँ तो मैं अपने ससुराल जाने ज़्यादा वो करती हूँ, क्योंकि वहाँ के घर को भी मेंटेन करना ज़रूरी है।
मेरा कौन सा डिब्बा था? मतलब क्या लाई थी तुम? नहीं बजे तो हम कह रहे थे दूध लाई थी। सुनो तो चलो अभी के पापा को ना टाइम मिलो तो मैंने कर रचना आप ही थे। बस अभी हमने डलवाया है पेट्रोल, अब निकल रहे हैं घर के लिए और काफ़ी लेट हो चुके हैं। टाइम प्यू डालियो अंदर पर्स में, टाइम 7:05 हो चुके हैं। तो चलिए निकलते हैं ज़्यादा देर की। तो फाइनली वैसे पीयू के रजिस्टर्स हमने लेने थे लेकिन ले नहीं पाए क्योंकि अंधेरा हो गया। बस अब मैं मार्केट में घुसना ना अवॉइड करती हूँ रात को कार लेकर, एक्टिवा पे तो चली जाती हूँ। तो पीयू के पापा आएंगे उनको ही बोलूँगी कि या तो इसके रजिस्टर ले आएँ या फिर दिलवा लाएँ। है हमारी शॉपिंग जो हम करके लाए हैं लेने, वैसे हम पीयू के रजिस्टर्स गए थे लेकिन जो कि नहीं मिले और आते हुए अंधेरा हो गया तो वो भी नहीं लिए हमने लोकल शॉप से, अब कल ही आएँगे। ये बिस्कुट वगैरह लगा अंदर, ये ले अपने बिस्किट लगा वहीं। और पीहू जिद कर रही थी कि मुझे पूरा पैकेट दो, मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा हैवी है, इसके अंदर बहुत सारा सामान है। और फिर मम्मी भी पीहू को डांटने लग गई थोड़ा सा कि वही बाल्टी उठा ले, मतलब छोटी छोटी बाल्टी उनमें ही ना हम सामान रख लेते हैं, वो ना ढक्कन वाली है। तो एक में बिस्किट रख ली, एक में नमकीन रख ली, और नमकीन नहीं आई है हमारे घर में, सारे बिस्किट आए हैं क्योंकि मुझे तो बिस्किट ही पसंद है। ऊपर से एक ये फिनाइल लेके आए हैं, वाइप्स लेके आए हैं, हार्पिक सैनी फ्रेश लेकर आई हूँ मैं इस बार, वैसे वो वहाँ लेके जाना है गाँव में मुझे, और ये मेरी कॉम आई है। तो हमने ना घर आने के बाद सबसे पहले किए हैं कपड़े चेंज, क्योंकि खा पी के तो हम आए हैं तो खाना तो अब नहीं बनेगा, बस पापा के लिए बनेगा तो वो मम्मी बनाएंगी। मैं फ़िलहाल कर रही हूँ कपड़े प्रेस, फिर अपनी ना राधा रानी के लिए 2 ड्रेसेस प्रिपेयर करनी है ऑर्डर पर जो आई हुई हैं, मैंने काम स्टार्ट किया हुआ है तो अभी प्रेस ऑन कर दिए मैंने। जल्दी से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, ये थोड़े से ही कपड़े हैं, बस 2-3 पीयू के सूट हैं, एक मेरी ड्रेस है। कपड़ों को प्रेस करना तो आसान है लेकिन बाद में उनको सेट करना ये ज़्यादा टाइम ले लेता है। फिलहाल तो कपड़े बहुत कम थे तो जल्दी से सेट हो गए। और ये मेरी शर्ट है, इसकी मुझे ना स्लीव्स करनी है छोटी क्योंकि आगे से हो गई हैं टाइट बहुत। और इतने मैंने किए कपड़े प्रेस, मम्मी ने पापा के लिए बना दिया खाना और तो नहीं खाएगा कोई भी। अब मेरा हो गया है स्टार्ट सिलाई का काम और आज लहंगे ही बन पाए। और वहाँ से आते ही मैंने कपड़े प्रेस कर दिए हैं और अब मैंने ये देखिए 2 लहंगे राधा रानी के तैयार कर दिए हैं। ये दोनों ऑर्डर आए हुए हैं और एक को अभी पिक्चर भेजनी है मुझे, वो सेलेक्ट कर लेंगी इनमें से एक, तो फिर एक और मैं दूसरा सिमिलर वैसा ही बना दूँगी। दोनों ही डिज़ाइन बहुत प्यारे हैं, इस लेस की अपनी खासियत है, सुंदरता है और इसकी अलग है। और ये ना वेलवेट में है तो बिना बुकरम के बिना जाली के ये ड्रेस बनी है, बहुत ही प्यारी है। अपकमिंग फेस्टिवल्स में जैसे हल्की हल्की ठंड हो ही जाती है, नवंबर में दिवाली है तो दिवाली पर हल्की हल्की ठंड हो ही जाएगी, वैसे वो ये सब ना दुर्गा पूजा के लिए बनवा रहे हैं। एंड मुझे तो अच्छे लगे, आपको कैसे लगे लहंगे बताओ ज़रूर। मुझे ना बहुत से लोग कहते हैं कि कितना टाइम है तुम्हारे पास, तुम यूट्यूब पर भी चली जाती हो, तुम ड्रेसेस भी बना लेती हो, तुम और भी बहुत सारे काम हैं, स्कूल भी जाते हैं। तो ये ना मेरा इंटरेस्ट है, देखिए स्कूल में पढ़ाना भी मेरा एक इंटरेस्ट ही है, अच्छा लगता है मुझे बच्चों को पढ़ाना। और बाकी मुझे क्रिएटिव थिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है, क्रिएटिव चीज़ें बनाने का। अब क्रिएटिविटी में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आती है लड्डू गोपाल जी की पोशाक। मैंने ये आई थिंक 1.5 ईयर्स पहले ना अनाउंस भी कर दिया था अपने चैनल पर, मैंने ये ना कोरोना टाइम में काम शुरू किया था, उसके बाद मैंने ना ये अनाउंस भी कर दिया था कि मैं बंद कर रही हूँ। बट जो मेरे यहाँ से ड्रेसेस लेते हैं अपने कान्हा जी के लिए, उन्होंने मुझे बहुत बोला कि दीदी मना बंद मत कीजिए, कम कर लीजिए काम बेशक, पर हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस तो आप ही बना कर देंगे। तो मुझे ये करना है अब लड्डू गोपाल जी के लिए। और जो आपका पैशन है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आपके पास टाइम हो ना हो आप उस चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हो। हम सब टाइम जब कहीं जाना होता है, उस किसी के घर जाना होता है, आपका इंटरेस्ट होता है जाने का, तो आप टाइम निकालते ही निकालते हो उस काम के लिए। तो ये ड्रेस बनाना, कान्हा जी की एक तरीके से सेवा करना, ये मेरा इंटरेस्ट है। और बाकी रेट्स, बाकी मार्केट के प्राइसेस से हमारे यहाँ के प्राइस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैं ड्रेसेस सारी खुद ही बनाती हूँ तो मार्जिन बहुत कम रखती हूँ मैं, बहुत ही कम रखती हूँ मार्जिन। और सेल वगैरह में तो मैं रेट टू रेट भी चीज़ें दे देती हूँ।
आजकल जैसे मैंने अपने चैनल पर ना सेल चलाई हुई है कॉटन की ड्रेसेस की, तो जितने की ड्रेस मुझे पड़ी है ना उतने की ही मैं सेल कर रही हूँ। ये लगा लीजिए, नोटबुक्स दिखा, नोटबुक्स भी बहुत प्यारी प्यारी हैं। बस ये दो डिजाइन है। वाओ वाओ वाओ, ये मेरी ये मेरी ये 40 की है, है? फोर्टी की है। अच्छा, उसने वैसे ही वो पिछली बार मेरे को क्लासमेट की दी थी और सेम पेज है इसके क्लासमेट की और क्लास फेलो के, अच्छे हैं पेज, है ना भैया? 30 की भी आती है ऐसी नोटबुक, पर ये 40 वाली का पेज सही है। चल ये तो कट कर दियो, कैंची से एक्स्ट्रा निकल ही जाते हैं, ये तो हो ही जाते हैं। और ये आ गए पीहू के पापा जी। उनको बोल दिया था कि उसको रजिस्टर दिलवा लाओ, तो वो कहते हैं इतने में इसको लेकर दोबारा बाज़ार जाऊंगा, इतने शॉप बंद ना हो जाए। तो मैंने कहा चलो ले आओ वहीं से जैसे लेकर आती हूँ। पीहू को तो वैसे कुछ खास पसंद नहीं आए, बोल रही थी ये मैथ के रजिस्टर में प्रॉब्लम आएगी, ये वो एंड ऑल, वो यही समझा रही है लिखा नहीं जाएगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऑल रजिस्टर्स आर गुड, सब कुछ सेट है, बिल्कुल अच्छे से हर एक चीज़ लेकर आए हैं और जितनी बताई थी उतनी क्वांटिटी में। वैसे उन्होंने ना वीडियो कॉल कर ली थी हमें, तो मुझे तो अच्छे लगे रजिस्टर्स, का प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है, बट ये वाले रजिस्टर मुझे थोड़े से पतले लग रहे हैं। चलिए अब इस व्लॉग का यहीं पर ही एंड कीजिए, और पीछे मम्मी को देखिए, मम्मी को पता नहीं था हम फोटो खींच रहे हैं, वो अपनी ना हैंकी से नोज़ क्लीन कर रहे थे खड़े हुए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।